वर्ल्ड के नंबर वन इंश्योरेंस एजेंट वर्ल्ड के दुनिया के जिनका नाम है फ्रैंक बैटगर 1920 की बात कर रहा हूं मैं 1920 में बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसी बेचा करते थे 1920 में उन्होंने जो पॉलिसी बेची थी उस पॉलिसी का वॉल्यूम था सिक्स लैक्स रुपीज प्रीमियम 1920 में कितना प्रीमियम छ लाख रुपए प्रीमियम 1920s में अमेरिका में उन्होंने जो पॉलिसी बेची थी उसका मैं डॉलर में डॉलर से रुपीस में कन्वर्ट करता हूं तो तो ऐसे महान जो इंश्योरेंस एजेंट रह चुके हैं उनकी एक बात से मैं शुरुआत करूंगा उन्होंने जो बुक लिखी है इज माई सेल्फ फ्रॉम फेल्योर टू सक्सेस उस बुक के अंदर सबसे पहला मुद्दा जो आता है सबसे पहला चैप्टर जो आता है वो ये आता है कि कोई भी सेल्स पर्सन में एंथ्यूज़म होना चाहिए अगर उसमें एंथ्यूज नहीं है मतलब उत्साह अगर उसमें नहीं है तो वो काम नहीं कर सकता वो एक अच्छा सेल्समैन नहीं बन सकता आज के बाद किसी पार्टी के सामने बैठे सहमे सहमे बैठने का नहीं गए हैं एनर्जी के साथ में हलो प्रणबदा कैसे आ उसको लगना चाहिए कोई तूफान आया है तूफान हम कैसे जाते हम कैसे जातेम ना चाहिए भलो हमें कौन भो मजा आता है इसमें नहीं तो करने का जो करने का आज के बाद जो काम करना है एकदम बेस्ट में बेस्ट काम करने का हंसना भी है खुल के हंसने का ताली भी बजाने का खुल के बजाने का, का पॉलिसी बेचने का खुल के बेचने का काम करने का चलो आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं दोस्तों बहुत सुंदर टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक है सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आज टॉपिक क्या दिया गया है मेन थीम क्या है प्रगति के पथ पर नाइट सो अगर हमको प्रगति के पथ पे जाना है और उसमें जो मुझे पहला टॉपिक जो दिया है कि हमारा विनर्स एटीट्यूड क्या होना चाहिए हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए क्या रवैया एटीट्यूड का मतलब क्या होता है हिंदी में क्या बोलते हैं रवैया बोलते हैं विनर्स का एटीट्यूड क्या होना चाहिए दोस्तों मैं सबसे इंपॉर्टेंट तीन शब्द दूंगा इफ यू वॉन्ट टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ आपको तीन चीज़ अगर आपने कर ली मुझे नहीं लगता है कि दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेसफुल होने से आपको रोकेगी राइट right? सबसे पहला शब्द जो है वो है ख्वाहिश अगर हमारा विनर्स एटीट्यूड अगर मेरे को रखना है जितने का रवैया अगर मेरे को रखना है तो मुझे सबसे पहले तो आएगा शब्द आएगा ख्वाहिश ख्वाहिश का मतलब क्या है जैसे बोलते हैं ना आप भगवान से ऐसी ख्वाहिश करो मतलब अंदर से आना चाहिए इच्छा कैसा है वो बार बार से इच्छा है मेरा इच्छा है ख्वाहिश का मतलब यह है कि भगवान को वो देना ही पड़ेगा इच्छा ऐसा नहीं है कि भगवान दिया तो ठीक है नहीं दिया तो ठीक है इसको इच्छा बोलते राइट लेकिन ख्वाहिश का मतलब क्या है वो देखो वो शब्द है मालूम है वो कहानी है अल्लाहद्दीन का चिराग उसमें वो क्या बोलता है बताओ मेरे आका आपकी क्या ख्वाहिश है मतलब ख्वाहिश वो हो होती है जो हंड्रेड परसेंट पूरी होगी होगी इसको ख्वाहिश बोलते हैं समझ में आ रहा है इच्छा में और ख्वाहिश में फर्क है इच्छा हुआ नहीं हुआ ख्वाहिश अंदर से यहां से आवाज आना चाहिए तो सबसे पहला शब्द क्या है टू बिकम सक्सेसफुल आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए आप जिस चीज में जी रहे हो ना वो चीज से आपको खुशी नहीं होनी चाहिए जिस दिन आप जो काम कर रहे हो अगर उसमें संतुष्टि आ गई जो काम कर लिया उसमें संतुष्टि आ गई जो लाइफ आप जी रहे हो उसमें आप एंजॉय कर रहे हो खत्म लाइफ आपको हर चीज पे चुभन होनी चाहिए आपको दर्द होना चाहिए आज लिंगराज का शायद सक्सेस इसलिए हुआ कि पापा बीमार थे किसी ने पांच हजार रुपए दिए नहीं पांच हजार रुपए और पांच हजार रुपए न देने की वजह से पापा की जान चली गई अंदर से आवाज आया ख्वाहिश हुई अबे लिंगराज बहुत हो गया अपने पापा को पांच हजार रुपए की वजह से तू बचा नहीं पाया बहुत हो गया गरीबी अब जिंदगी में कभी ऐसा नहीं होगा और उसके बाद जो अंदर से निकलता है आवाज कोई आपको सक्सेस से रोक नहीं सकता है अंदर से ताकत होनी चाहिए आप जिस घर में रहते हो आपको अंदर से चुभन होनी चाहिए कि एक कैसे घर में रहता हूं लोग अरबों खरबो पति कितने बड़े बड़े मकान में रहते मैं कौन से मकान में रहता हूं आज मैं कैलकटा में रह के अगर मैं शहर में रह के झोपड़े जैसे मकान में चौल जैसे मकान में छोटे से मकान में रहता हूं अंदर से इच्छा होनी चाहिए अंदर से हम क्या है बहुत संतुष्ट है जो मिला है ना एक्चुअली साधु में और आप में ज्यादा अंतर नहीं है साधु को कोई ख्वाहिश नहीं होती है कोई इच्छा नहीं होती है आपको भी कोई ख्वाहिश नहीं है कोई इच्छा नहीं है कुछ नहीं है देखो साधु साधु में भी बहुत फर्क होता है कई सारे साधु ऐसे होते हैं कि जो मेरे पंथ के 500 मंदिर में बनवाऊंगा मेरे पंथ के वर्ल्ड में हजार मंदिर में बनवाऊंगा पांच हजार मंदिर बनवाऊंगा ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग भी है राइट right? साधु है लेकिन ख्वाहिश है कि समाज को कुछ अच्छा करना है और दूसरा है सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया है में, बीच में एक ने मेरे को पूछा था मुकेश भाई आप पूजा पाठ वगैरह कुछ करते हो क्या मैंने कहा देखो मैंने ऐसे बहुत साधु देखे हैं कि संसार छोड़ के हिमालय में जाके बैठे संसार छोड़ के हिमालय में जाके बैठे इसलिए हिमालय में जाके बैठे क्योंकि एक चुटकुला सुना था मैंने एक भाई साहब साधु के पास गया जाके बोलता है बोलता है महाराज कुछ ऐसी आइडिया दो कुछ ऐसा कुछ बात बताओ बीवी को खुश कैसे करूं वो महात्मा बोलता है अगर वो मुझे आता हाँ तो मुझे साधु बनना ही नहीं पड़ता ना वो ही तो नहीं आया बोले इसके लिए तो हिमालय में चढ़ के आके बैठा हूं मैं समाज को छोड़ के जो लोग गए ना वो साधु नहीं है समाज में रह के जम, जो समाज की सेवा कर रहे वो सच्चे साधु है जैसे कि स्वामी विवेकानंद वो समाज को छोड़ के नहीं गए वो समाज में रह के उन्होंने कार्य किया उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई मैं तो कहता हूं देखो ये पवित्र भूमि है आपकी जो कैलकटा की वेस्ट बंगाल की भूमि को मैं कसम से बोलता हूं बहुत पवित्र है बहुत आप लोगों के ऊपर बड़े बड़े लोगों के आशीर्वाद है सुभाष चंद्र बोस के आशीर्वाद है रविंद्रनाथ टैगोर के यहाँ पर आशीर्वाद है यहाँ पर आपके कितने अच्छे अच्छे स्वामी विवेकानंद जी के आशीर्वाद है स्वामी विवेकानंद जी को हम मानते हैं पूजते हैं खाली किसी की मूर्ति को नहीं पूजना है उसके विचारों को पूजना है उनके क्या सोच है उनके क्या विचार है जो मैं आपको ख्वाहिश की बात कर रहा हूं ना इसके लिए स्वामी जी ने बहुत सुंदर सेंटेंस उनकी बुक में कई बार लिखा है मैंने कई बुक्स के अंदर मैंने स्वामी जी का यह स्टेटमेंट मैंने पढ़ा है स्वामी जी क्या बोलते हैं मालूम है लो एम इज क्राइम नीचा जो हम टारगेट रखते हैं लो एम जो रखते हैं वो क्या है क्राइम है क्राइम क्राइम का मतलब समझ तो आप कितना भयानक शब्द यूज किया है स्वामी जी ने कितना भयानक शब्द यूज किया है कि लो एम इज़ क्राइम मतलब क्राइम किसको बोलते हैं मालूम है आपको आपने किसी का मर्डर कर दिया तो आप क्रिमिनल हो गए राइट right? आपने किसी का खून कर दिया आप क्रिमिनल हो गए आप सोचिए अगर स्वामी जी ये कहते अगर आप अपना एम छोटा रखते हो तो आप क्रिमिनल हो ध्यान से सुनिएगा कोई किसका मर्डर करता है तो वो सामने वाले का नुकसान कर रहा है लेकिन आपने एम छोटा रखा ख्वाहिश छोटी रखी किसका मर्डर किया आपने अपना खुद का मर्डर कितने बड़े खतरनाक क्रिमिनल है मेरे को बताओ आप अपना मर्डर किए आप आपने बीवी का मर्डर किया आपकी बीवी की ख्वाहिशों का मर्डर किया आपने आपके बच्चों की ख्वाहिशों का आपने मर्डर किया कितनी खतरनाक चीज होती है देखो आप सो so, कभी भी एम जो है वो कभी लो नहीं रखना है हमेशा बड़ा एम रखो बड़ी ख्वाहिश रखो जिस चीज में हो उसमें संतुष्ट नहीं रहो उससे कुछ और करने की तमन्ना रखो अभी रास्ते में मैं आया फ्लाइट में मैं और पारस भाई हम लोग साथ में थे भाई को मैं बोल रहा था अभी भी जो फ्लैट में रहता हूँ तीस माले के टावर में रहता हूँ और मेरे बिल्डिंग के अंदर में श्वेता तिवारी रहती है काफ़ी हिंदी फिल्मों में आई है भोजपुरी फ़िल्मों में काफ़ी काम किया है बहुत सारी बिहार के फिल्में हैं तो उसमें भी उसने अच्छा काम किया श्वेता तिवारी मेरे बिल्डिंग में रहती है अभी आ, एक फिल्म रिलीज हुई अजय देवगन की पिक्चर का नाम था दे दे प्यार दे उसमें जो हीरोइन है रकुलप्रीत सिंह वो भी मेरी बिल्डिंग के अंदर में रहती है डल्टी पिक्चर जाना है डल्टी पिक्चर तो डल्टी पिक्चर जिसने लिखा है वो रजत अरोरा वो भी मेरी बिल्डिंग में रहता है आज ऐसे बहुत सारे बड़े बिल्डर बड़े जो बिजनेसमैन ज्वेलर्स ये सब अच्छे अच्छे लोग हैं जो मेरे बिल्डिंग के अंदर में रहते हैं तीन साढ़े तीन करोड़ का मकान है तो सीधी सी बात है कि वहाँ पे कोई फालतू लोग तो रह गए नहीं तो आज ये लेवल के लोग आज रहते हैं लेकिन मैं आज पारस भाई को आते वक्त बोला मैंने कहा पारस भाई अभी दिल की एक ख्वाहिश है ख्वाहिश है इच्छा नहीं है दिल की एक ख्वाहिश है फोर बी का फ्लैट लेना है साठवें सत्तरवें माले पे लेना है और उस फ्लैट से सामने समंदर किराना दिखना चाहिए समंदर मेरे को दिखना चाहिए और मेरे अगल बगल में दीपिका पादुकोण और अनुष्का शर्मा होना चाहिए कितने लोग दीपिका पादुकण को पहचानते हो हाँ देखो है ना और कितने लोग अनुष्का शर्मा को जानते हो यस अभी जी, अभी जहां रहता हूं तो आप में से दस पंद्रह लोग जानते हो लेकिन मेरे अड़ोस पड़ोस में अभी कौन रहने चाहिए दीपिका और अनुष्का शर्मा रहने चाहिए अभी ये मेरी ख्वाहिश है जहां हूं वहां से क्या करना पड़ेगा और कोई सपना देखना पड़ेगा और कोई बड़ा सपना देखना पड़ेगा संतुष्ट कभी रहने का नहीं कितना भी बड़ा काम कर लो ना जिस दिन संतुष्ट हो गए समझ जाने का आपका जिंदगी का तरक्की का वो आखिरी दिन है कभी किसी भी चीज के लिए संतुष्ट नहीं होने का इसके लिए सबसे पहला शब्द मैंने क्या कहा आपको विनर्स एटीट्यूड बनाना है ख्वाहिश रखो ट्रिमंडस ख्वाहिश रखो राइट उसके बाद अभी ध्यान से सुनना दूसरा शब्द मैं आपको बोल रहा हूं ख्वाहिश बड़ी रख ली लेकिन यकीन नहीं है कि मैं ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं यकीन नहीं है तो भी सक्सेसफुल नहीं होंगे विनर्स एटीट्यूड क्या रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं? उसके ऊपर यकीन करते हैं कि यस मैं ये कर सकता हूं यकीन रखोगे तो यह पॉसिबल हो सकता है राइट right? सो so, सबसे पहला शब्द क्या है ख्वाहिश अब क्या होगा मालूम है अब आप में से कुछ लोगों ने दिल से माना कि मेरा मेरा सीओटी हो जाएगा राइट कुछ लोगों ने कैसी तालियां बजाई मालूम है अब तक एम नहीं किया सीओटी कैसे हो सकता है ऐसे ही थोड़ी हो सकता है सीओटी पॉसिबल नहीं भगवान एम करा दे तो भी बहुत है ये क्या हुआ मालूम है मैंने अभी ट्रायल मारा मैंने क्या कहा दूसरा शब्द क्या होना चाहिए यकीन होना चाहिए यकीन जब ताली बजाते और बजाते थे ना उस समय मन में जिसने भी ये सोचा यस यार भले आज तक एम नहीं किया लेकिन अगर स्वामी जी ये कहते हैं और मैं इस भूमि का आदमी हूं स्वामी जी भी जो वर्ल्ड फेमस स्वामी जी हो गए वो भी इसी भूमि के है इसका मतलब स्वामी जी ने कहा है कि लो एम इज क्राइम छोटा एम नहीं रखना है बड़ा एम रखना है मैं सीओटी करके दिखाऊंगा और ऐसी जिसने तालियां बजाई हाँ ऊपर से आदेश आ जाएगा ऊपर से अभी पार्टी बड़ी पार्टी भेजने की व्यवस्था भगवान को करनी पड़ेगी वो करेगा बैठा बैठा कि इसके पास बड़ी पार्टी मेरे को भेजनी पड़ेगी हाँ ढूंढने का काम मेरा है लेकिन भेजेगा भगवान भेजेगा लेकिन ढूंढने किसको जाना पड़ेगा मेरे को जाना पड़ेगा शेर के लिए शिकार तैयार है लेकिन शेर मुंह खोल के बैठा नहीं रहता है कोई तो आएगा कोई तो हिरण आएगा हिरण है लेकिन हिरण को क्या करना पड़ेगा उसको ढूंढना पड़ेगा राइट उसका शिकार करना पड़ेगा सो कोई आएगा नहीं हाँ लेकिन कोई ना कोई तो बैठा है अगर आपने ख्वाहिश रखी है कि मुझे सीओटी करना है तो उम्मीद के साथ अगर ख्वाहिश रखिए तो होगा खाली ख्वाहिश से नहीं होगा ख्वाहिश भी चाहिए और साथ में क्या चाहिए यकीन रखना है। और तीसरी चीज कुछ भी हो जाए किसी भी हालात के अंदर मैं उम्मीद से हारूंगा नहीं आखिरी दिन तक भी मैं उम्मीद खोऊंगा नहीं अगर ये तीन चीज के ऊपर आपने वर्क किया मुझे लग रहा है सक्सेस को पाना बहुत आसान है राइट तीन चीज कौन सी कौन सी सबसे पहले ख्वाहिश दूसरी चीज यकीन और तीसरी चीज उम्मीद कोई कितना भी आदमी आपको परेशान करे आपसे पार्टी पॉलिसी ना ले कभी अपसेट नहीं होने का से अपसेट होने का नहीं चाहे वो समझे चाहे वो नहीं समझे माने नहीं माने अपना काम अपने को करते रहने का कॉन्स्टेंटली अपना काम अपने को करते रहने का हम क्या होते हैं मालूम है जब उम्मीद से खरे नहीं उतरते राइट तीसरा शब्द क्या बोला उम्मीद उम्मीद से खरे नहीं उतरते तो हम फिर क्या सोच लेते मालूम है ये लाइन बेकार है लोग बेकार है लोग थर्ड क्लास है लोग समझते नहीं हैं लोग बुरे लोग हैं लोगों को इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं है लोगों को तो म्यूचुअल फंड लेना है शेयर बाज़ार में जाना है प्रॉपर्टी लेनी है ये करना है वो करना है कोई मेरी सुनता नहीं है उम्मीद से कभी भी हाथ धोने का नहीं पक्की उम्मीद रखने की कि नहीं कोई तो आएगा कोई तो आएगा जो मेरे को सीओटी कराएगा और मैं ढूंढते रहूंगा मैं हारूंगा नहीं मैं थकूंगा नहीं मैं लोगों को मिलते रहूंगा बहुत सारी हम लोग कई बार क्या हो जाता है मालूम है अपसेट कहां से आ जाता है कि कोई लेता नहीं है और फिर उम्मीद खो बैठते हैं तो उसकी वजह से हम लोग को दिमाग के अंदर में अपसेट आना शुरू हो जाता है फिर कम लोगों को मिलना शुरू करते हैं इनफैक्ट मैं तो यह कहता हूं अगर रिजल्ट ना मिले तो हमने क्या करना चाहिए हमारी एक्टिविटी को और बढ़ाना चाहिए अगर रिजल्ट ना मिले और एक्टिविटी को बढ़ाओ ना और एक्टिविटी को बढ़ाओ जितनी ज्यादा हो सके उतनी एक्टिविटी को बढ़ाओ